मुनि चुहा के नाम से जगह कुंठ है दो ठो चिंता के जरिया से खुदाई करे कोई औजार नहीं चिंता में खुदाई करते हैं यहाँ से पानी यहाँ से निकली शिवलिंग और एक तो त्रिशूल भी सागर जी ने अभी बताया कुंड कोई कुंड से ये शिवलिंग निकलेगी आप मन निकलेगी मुनि सागर से। हेलो संगवारी हो मोर यूट्यूब चैनल मोतीलाल ब्लॉग में आप मन के तहे दिल से स्वागत करते संगवारी हो। तो संगवारी हो मैं अभी पहुंच गया हूँ संगवारी हो बिजरा भाठा ठीक है यहाँ पर भरपुर से 7 किलोमीटर लगभग पड़ते हैं यहाँ और हमारे रायपुर राजधानी से कम से कम 150-170 किलोमीटर ऐसे लगभग पड़ते हैं ठीक है। और ये साइड में झगरेन्दी भी है ये रोड में तो यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तो यहाँ कब आए हैं पहले ब्लॉक लगा तभी अपन देखे छो कि मैं वहाँ से गेट से स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ से ये कौन सा रास्ता माथे और जाते हैं और ये जगह के बारे में भी आप मतलब पूरा घुमा के बताएं वो ब्लॉक में। और आज के भी ब्लॉक में आप मतलब बताऊँ कि पूरा ये जगह का कहानी कहाँ है कैसे और हमारे गाँव के जितना बुजुर्ग मैंने जगह साथ मौत दे थे और भैया बुलाए भी रही थे अभी मतलब बताएं गोपी भैया जी बुलाए रही सिंगर भी है गायक है ठीक है वो मन रामायण के प्रोग्राम भी करते हैं आप मतलब बताए भी पहले वीडियो में। तो सब जी इकट्ठा हो गए अब मोर सहायता कर रहे थे सब जी वीडियो बनाएगा और सब जी इकट्ठा है तो चलो ये मतलब पूछता अभी फिलहाल ये मंदिर है बगल में आप मन देख सका था शिव मंदिर। तो शिव मंदिर कैसे में बनी और ये जगह दूठा मुनि सागर और मुनि चुहा के नाम से जगह कुंड है दो ठो तो ओकर बारे में भी पूरा जानबो। तो सब जी हमारे गाँव के बुजुर्ग में दाई भी एक जी आज जगह महाराज भी है सब जी तो चलो आप मन देखा रहो आप मन लेके करके मतलब पूछता हूँ गाँव कौन गाँव के काय कैसे तेला तो हम ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूँ। तो सोमवारी पहले ब्लॉग में देखो ये भैया जी वो ब्लॉक में नाम बता रहे फिर से ब्लॉक में नाम बस थोड़ा सा बता दो आप मन। हाँ मोर ना गोपी चौधरी मैं ग्राम बिजरा भाठा का हूँ। हाँ क्या आप मन के का नाम है अंकल? बसंत। ठीक है आप मन के? बच्चन। आप मन के? कुल सिंह सिद्धार। आप मन के? मैं कुंभरिया। हाँ नाम ला भी बता दे गाँव के। मोर नाम है बाबूलाल नेटी खेजुड़ी के। हाँ आप मन के? राजेंद्र सिद्धार ग्राम खेजुड़ी। हाँ आप मन के? नवगढ़ी। आप मन के? मिलाराबाद ग्राम सिद्धार। आप मन नाम आमोस दीपे मैं ग्राम खैरजुड़ी के रहने वाला हूँ। आप मन की? मोर नाम मुरलीधर सिदार ग्राम बिजरा भाटा के रहने वाला हूँ। हाँ वैसे बता दें आप मन की? मोरिया ग्राम बिजरा भाटा। हाँ मोर नाम सरजूलाल सिदार ग्राम खैरजुड़ी। महाराज आप मन की? महाराज बोलना है पवित्र कर। हाँ कहाँ के? ग्राम मिलाराबाद। ठीक है और यहाँ पर रहते जो आश्रम में रहते दाई और हमारे अंकल जी बाबा। आप मन बता अपन? मैं हर नवगढ़ी के आऊँगा और यहाँ मतलब 15 साल हो गया आगे पूजा पाठ करत हूँ। ना नाम भी बता देना। मोर नाम कृपा राम। हाँ आप मन के दाई? मोर नाम शांति भाई। यही चल था तू? हाँ यही चल तो फिलहाल ये दू जी मन देख रेख पूरा करते महाराज मन। ठीक है तो संगवारी हो अभी नाम बताई से आप मतलब महाराज जी। तो महाराज जी अभी जो शिव भगवान के मंदिर है जगह और शिवलिंग है और त्रिशूल भी है और यहाँ पर मुनि सागर एक कुंड भी है तो महाराज जी की पूरा जानकारी दी महाराज जी रहते भी तो मैं बताओ महाराज का है कैसे कैसे ये जगह नाम पड़ी मुनि चुहा और कहा कैसे पूरा अपन डिटेल में समझाओ। एला सर्वप्रथम मोला सपना हो गया नवगढ़ी में घर में रहे वहाँ ले सपना हुई तो तुरंत आएंगे सवेरे रात में सपना हुई सवेरे आए जो मोला दर्शन दी शिवलिंग है सपना में तो उपरे खोजार में आए तो कुआ हर पहले प्रकट रही वो हर दिखी ओला खोज के देखे वहाँ नहीं मिली थी मोला तो फिर मैं साधना करें साधना करें जो यहाँ एक पेड़ रही थी अभी मुनि सागर जो उनका हाथ में पेड़ रही से पेड़ के जड़ में उभर रही से वाला खोजते खोजते गए कि अभी ये मुनि जो सागर में पेड़ रही थी लुप्त रही पूरा लुप्त पूरा मिट्टी मालवर से ढक गई से तो साफ सफाई करे तो यहाँ से कहाँ निकली सही बता दे क्लियर। वहाँ से निकली शिवलिंग और एक तो त्रिशूल रही से यहाँ से कहो साफ सफाई के दौरान निकली से कहो एकदम नीचे में रही से तो अभी फिलहाल शिवलिंग और त्रिशूल कहाँ है? वो मंदिर में है। ये मंदिर में है ठीक है तो अभी संगवारी स्थापना करीबर में मंदिर बनवाए ओकरे बको पहले ये मंदिर नहीं रही थी अभी फिलहाल जो शिवलिंग निकली ओकर वजह से ये मंदिर अब बने गए। ठीक है ये दोनों को वाला शराब भी लगे है शराब गति से वाले बाबा एक झोला खुदाई करे है चिंता के जरिया से खुदाई करे है कोई औजार नहीं चिंता में खुदाई करके यहाँ से पानी पैदा करे। तो पानी अभी सुखाते कि कैसे?
अभी नहीं सुखा थे मोर रहे में पहले सुखा जा। हाँ अभी कभू नहीं सुखा है। हाँ। आठों कल बारह महीने पानी रहते हैं। हाँ वही तो डोंगा के ऊपर में है ना, देख सका तो संगवारी हो, डोंगा के ऊपर चारों बगल पूरा हरियाली छा है और नीचे कम से कम तो संगवारी हो 200 फीट का हाथ है, 200 फीट के ऊपर में जब कुंड है तो कुंड सुखाए बर रहती तो सुखा भी जाती, बाकी आप मन देख सका था पानी भरे कया मया कभी नहीं सुखाए कहा था। ठीक है और यहाँ पर भी एक आगे है, एक आना है मुनि सागर। ठीक है तो चलो आगे आप मन लू बता तुम यहाँ, ये देखो यहाँ पर है, ये है मुनि चुआ, ये है मुनि चुआ के नाम से। तो देखो यहाँ भी कहूँ पानी नहीं सुखाए कहा थे, अब गाँव के रोहिया मन बताए थे। ठीक है आज चट्टान के ऊपर है तो देख सकते है पानी सुखा भी जाती, बाकी सुखात नहीं है। बाबा यहाँ के जब साधना में यहाँ बैठी और उमन जब मामा माचा जंगल में रहीन उमन लो जगह सूखा जगह रही तो पसंद नहीं आई, और यहाँ आके जब अपन के चिमठा से ये पत्थर तोड़ा गिर और यहाँ से जब पानी निकली तो यहाँ जब पानी से सुरंग पाया गिर तो बाबा मारे खुश हो गए, और ये पानी तब तक आज तक मैंने बुजुर्ग सियान बताते ये पानी हर आज तक कभी नहीं हटाए, चाहे कुछ न कुछ भाग में पानी कभी नहीं हटाए। हाँ कभी नहीं हटाए, गर्मी महीना भी मैंने कुछ न कुछ यहाँ पानी के अंश जरूर है। अब जैसे बताएं कि वो ब्रांड रानी सागर जैसे साफ कर रहे हैं तो वहाँ से एक शिवलिंग और एक त्रिशूल माने पैन और ओला पा के ना उमन के मन में संपर्क करें कि हम यहाँ बिठा के एक मंदिर के निर्माण कर सौ करके, तो ये सब चीज ला मोला बाबा जी बताएं एक आधार से मैं एक तो एकन के माने प्रचार करे बर अब एक तो छत्तीसगढ़ी एकन के अब गाना गोटे निकाले हूँ और वो गाना ला आदमी अच्छा से अच्छा सुने और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है तो संगवारी हो आप मतलब अभी गांव के मन बताई से अच्छा थी कि मुनि सागर और मुनि चुआ आया पर शिव मंदिर, तो एक कहानी अभी मन के बताए के अनुसार से ये मुनि सागर से साफ सफाई के दौरान, ठीक है मुनि सागर से साफ सफाई के दौरान शिवलिंग और त्रिशूल प्रकट हो ही वहाँ से निकले गए साफ सफाई के दौरान, तो अभी फिलहाल और वजह से ही ये मंदिर के निर्माण हो गए। ठीक है तो अंदर चलता ना कैसे दिखे शिवलिंग त्रिशूल काय से अंदर चलता और आप मतलब बताए की कोशिश कर अरे आप मन देख सका था मैं फ्रंट साइड में आ गए हूँ आगे साइड में। ठीक है और सब जी जगह खड़े है तो अंदर चलथन और आप मतलब दिखा थन काय कैसे थला तो संगवारी हो देख सका था आगे में नंदी भगवान के एक छोटा सा मूर्ति है बढ़िया से प्यारा सा, यहाँ पर बिल्ली भी बैठे है। चल जी और संगवारी हो आप मन देख सका था कुछ इस प्रकार से शिवलिंग और नाग देवता हमारे महाराज। तो संगवारी हो अभी आप मतलब बताए हमका जी मोबाइल पकड़ ले देख सका था यहाँ पर एक नाग देवता हमारे जो अभी बताए मुनि सागर से वहीं से प्रकट हुए साफ सफाई के दौरान निकले और यहाँ पर हमारे शिव भगवान। ठीक है यहाँ पर छोटे छोटे और दो का शिवलिंग है, तीन सौ शिवलिंग है फिलहाल और वाइट वाइट में। ठीक है तो वहीं से साफ सफाई के दौरान ये शिवलिंग निकले गए प्रकट हुए गए। तो संगवारी अभी गाँव के कहने वालों के अनुसार से जो अभी बताए ठीक है ये तो निकाले गए ये शिवलिंग फिलहाल निकले गए वो जो मुनि सागर ने अभी बताया कुंड वही कुंड से ये शिवलिंग निकले गए आप मन देख सकता था कुछ इस प्रकार। ठीक है तो चलो आप मन दिखा था ना ये त्रिशूल तो ये देखो कुछ इस प्रकार से दिखा ये देखो ये त्रिशूल निकले गए अच्छा ये त्रिशूल निकले गए मुनि सागर से और शिवलिंग छोटे से बताए ना तो दो छोटे छोटे अच्छा से खूबसूरत से शिवलिंग प्रकट हो है और ये के नाम के फेमस है मुनि चुआ। ठीक है मुनि चुआ के नाम से फेमस है जगह है। संगवारी हो आप मन देख सका था पथरा के ऊपर में एक छोटे से पौधा जाड़े जगह है का कथे का नाम नहीं जानता बन तुलसा। ठीक है बन तुलसा के नाम से ये देख सका था कुछ यहाँ से पत्थर में देख सका था ये ठीक है कुछ इस प्रकार से जागेगी ही बढ़िया से। तो संगवारी कैसे लगी आज के ब्लॉग संगवारी पूरा डिटेल में समझाए हूँ जबकि पूरा जानकारी समझाए हूँ। ठीक है अच्छा लगी से प्यारा से लाइक कर दो वीडियो ला सब्सक्राइब कर दो चैनल ला ठीक है कॉमेंट कर दो सब कुछ करूँ जैसे बनते वैसे। तो चलो और एक ब्लॉग बनी मोर इंतजार रखू कर फिर से बना था काबे जाके अतका लंबा कहानी है तो एक ब्लॉग में सारा चीज आत नहीं है ओकर अलग अलग में बनाता हूँ अलग अलग पार्ट में। तो चलो ब्लॉग में मिलू कुछ नए के साथ तब तक के लिए बाय बाय।